दोस्तों, हमारी पिछली वीडियोस को देखते हुए बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें मैसेज किए थे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए थे और फेसबुक पर जाकर भी कमेंट किए थे और ये पूछा था कि सर हमारे साथ फ्रॉड तो हो गया, फ्रॉड से हम लोग ना बचें, ऐसी तो कई सारी वीडियोस आपने बनाई हैं, बट फ्रॉड होने के बाद मान लीजिए हमारे अकाउंट से कुछ पैसा निकल गया या पेमेंट हमसे फ्रॉड तरीके से किसी इंसान ने पेमेंट हमसे ले ली, अब उस पेमेंट को हम वापस कैसे लें। प्रॉब्लम यह है कि हमने पेमेंट कर दी या फ्रॉड हमारे साथ हुआ, पेमेंट हमारे अकाउंट से उड़ गई या किसी भी तरह से फ्रॉड से स्कैम से पेमेंट हमारे यहाँ से निकल गई, अब उस पेमेंट को वापस कैसे लेंगे। दोस्तों, हालांकि देखा जाए तो पेमेंट 24 घंटों में आपके पास वापस आ सकती है, कुछ ही घंटों में वापस आ सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेमेंट लेने के लिए सालों साल लग जाए। सिर्फ और सिर्फ आपको राइट डोर को नॉक करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सही जगह पहुंचना है तो आपका पैसा आपको वापस मिलेगा अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है। वीडियो को पूरा देखना, समझना इस वीडियो को, इस वीडियो से काफी आपको नॉलेज मिलेगी और आप ये भी जानोगे किसी भी तरह से आपके अकाउंट से पैसा निकला, चाहे वो UPI से निकला, आपने पेटीएम किया, फोन पे किया, गूगल पे किया या फिर अकाउंट ट्रांसफर किया, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ज्यादा कुछ जानने के लिए अपना फ्रॉड हुआ पैसा वापस कैसे लें, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अपने देश में जो 140 करोड़ से भी ज्यादा की जो आबादी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अलग अलग तरह के अकाउंट्स यूज करते हैं। हालांकि RBI ने तो पहले यह भी बोला था कि अगर किसी भी अकाउंट से कोई पैसा निकल जाता है तो वहां पर गलती उस अकाउंट की है, उस बैंक की है कि उसने अपनी सिक्योरिटी पर अच्छे से काम नहीं किया, उसका क्लेम आप बैंक को ही कर सकते हो। पर यह एक काफी लंबा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अगर आप जाओगे तो फंस जाओगे और आपकी पेमेंट सालों साल तक वापस आने वाली नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको राइट डोर नॉक करना है, सही दरवाजे तक आपको पहुंचना है, वरना तो आपका पैसा वापस मिलेगा नहीं। दोस्तों, होता क्या है, आपने कोई लिंक को क्लिक किया, डिटेल्स आपकी शेयर होगी, पेमेंट आपके अकाउंट से उड़ गई, या फिर आपके अकाउंट से कोई पेमेंट चली गई आपको पता ही नहीं चला, या फिर आपने गलत तरीके से पेमेंट किसी को कर दी और बाद में पता चला ये तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो इन सभी चीजों के लिए वैसे तो अगर देखा जाए तो अपना एक हेल्पलाइन नंबर है और ये हेल्पलाइन नंबर आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हेल्पलाइन नंबर है 1930 1930 ये नंबर है, जो नंबर बनाया गया दिस हेल्प्स सिटीजंस टू रिपोर्ट साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स। मतलब कि ये सभी लोगों के लिए, जितने भी सिटीजंस हैं इंडिया के, उन सब की मदद करता है साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स में, और नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, किसी भी गांव से देख रहे हैं, किसी भी कस्बे से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो ये नंबर आप सभी लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाला है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, पैसा आपके अकाउंट से निकल गया, किसी भी तरह से UPI से भी अगर पेमेंट आपके अकाउंट से निकला है किसी ना किसी अकाउंट में, तो वो जाएगा ही, नंबर होगा, तो भी आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल कैसे करेंगे, आपने कॉल किया, अपने नंबर से कॉल करने के बाद में आपसे वो डिटेल्स मांगेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कॉल कर दिया कि ये नंबर है, आपके साथ फ्रॉड क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपको रिपोर्ट करना होगा, बताना होगा कि आपके पास कोई कॉल आया, उसने आपको ऐसे ऐसे बोला, उसने आपको लिंक दिया, आपने लिंक पर क्लिक किया। दोस्तों, कंप्लेंट होती है, ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रोडक्ट किससे खरीद लिया, प्रोडक्ट आपको समझ नहीं आ रहा, आपने सीधा फ्रॉड ही कंप्लेंट डाल दी कि नहीं जी प्रोडक्ट ही गलत आ गया मेरे पास, तो मुझे पैसा वापस चाहिए। अगर कहीं पर कोई सामान की डिलीवरी हो जाती है, सर्विस के लिए पैसा दिया, सर्विस आपको मिल जाती है, आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप उनकी टर्म कंडीशंस को पूछिए, पर ऐसा नहीं हर चीज के लिए आप कॉल लगा दें, वरना वो इंसान उल्टा आपके ऊपर केस ठोक देगा। तो बेहतर है कि देखें आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके अकाउंट से पैसा निकला है, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। जैसे ही आप कॉल करेंगे, सामने वाले के जिसके अकाउंट में वो पैसा गया है, जो फ्रॉड का पैसा गया है, उसके अकाउंट को बैंक फ्रीज करेगा, क्योंकि जैसे ही आपने इस नंबर पे कॉल किया, इस नंबर पे कॉल करने के बाद में डिटेल्स को लेकर उस बैंक को भेज दी जाती है, उस बैंक को भेजने के बाद जो उसकी ब्रांच है वहां भेज दी जाती है, बाद में उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, और कई बार उतने अमाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है
है जितने अमाउंट की वो चीटिंग हुई, जितने अमाउंट का वो फ्रॉड हुआ। अब फ्रॉड तो हो गया, अब मान लीजिए आपके पास एक रेफरेंस नंबर भी आएगा, जैसे ही आपने कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा दोस्तों, मैसेज में लिखा होता है कि रेफरेंस नंबर क्या है और आपने कितने अमाउंट की कंप्लेंट की है, वो सब मैसेज लिखा होता है। उस मैसेज को अपने पास रखें, अगर 24 घंटे में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है इसी नंबर पर दोबारा कॉल करके स्टेटस आप ले सकते हैं, या फिर आप क्या करें सीधा अपने लोकल पुलिस स्टेशन को चले जाएं। आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहां तक वो कंप्लेंट अब तक पहुंच चुकी होगी, या फिर जो भी कोई साइबर सेल का जो भी कोई पुलिस स्टेशन लगता है आपके एरिया के आसपास वहां चले जाएं तो वहां तक वो कंप्लेंट चली गई होगी, या फिर अपना रेफरेंस नंबर दें तो उसके बाद में डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। अब ऐसा नहीं कि पैसा ये अपने आप आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, अगर ये पैसा आपके अकाउंट में नहीं पहुंचता है तो उसके लिए आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एप्लीकेशन लगाएंगे किसी भी वकील साहब के साथ में, आप जाके एप्लीकेशन लगा सकते हैं, खुद भी लगा सकते हैं और बोल सकते हैं ये पैसा था मैंने कंप्लेंट की थी फ्रीज कर दिया गया, ये मेरी कंप्लेंट थी। उसकी रिपोर्ट मंगाएंगे उन आईओ साहब से जिनके पास आपका केस था, वो आके अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके बाद जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को लेकर आप बैंक के पास जाएंगे तो जाकर आपका पैसा रिलीज होगा। बट हाँ, आपका पैसा रिलीज हो जाएगा, कई बार वो पैसा अपने आप भी अकाउंट में दोस्तों आ जाता है। बिल्कुल भी आपको मूर्ख नहीं बनना है, बिल्कुल भी बेवकूफ की तरह नहीं रहना है। पैसा अगर आपका चीट हुआ है, पैसे को लेकर अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, उसकी आप कंप्लेंट करें इस दिए गए नंबर पर, पुलिस को कंप्लेंट करें, साइबर सेल को कंप्लेंट करें, जहां भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं करें, क्योंकि अगर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे आपका पैसा वापस आएगा नहीं। दोस्तों पुलिस के पास या इस नंबर पर देखा जाए डेली हजारों लाखों कॉल्स जाती हैं, डेली हजारों लाखों कंप्लेंट्स दर्ज होती है चीटिंग फॉर्जरी को लेकर, चीटिंग को लेकर, इस तरह के फ्रॉड स्कैम्स को लेकर, क्योंकि अपने देश में और आफ्टर कोविड 19 के बाद तो दोस्तों इन चीजों की जैसे बाढ़ सी आ गई, ऐसे बहुत सारे जो क्राइम है वो रिपोर्ट किए जाते हैं। तो अपने आप को आप अवेयर बनाएं, जब तक आप नॉक करेंगे नहीं डोर को तब तक सामने वाला दरवाजा खोलेगा नहीं, कंप्लेंट आपको करनी होगी, जाके एक दो बार हो सकता है थाने के चक्कर आपको काटने पड़े, बट आपको आपका पैसा वापस मिल जरूर जाएगा। कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताएं, लोगों को इसके बारे में और अवेयरनेस मिले। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के जो हम वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।